से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और 48 में से केवल 17 सीटें महायुति को मिली है। नरेंद्र मोदी जैसे इतने बड़े चेहरे पर अगर आपको 17 सीट मिली है तो महाराष्ट्र में आपके पास तो उतना बड़ा चेहरा भी नहीं। यहाँ तो आपके पास देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी का चेहरा है, तो चेहरों से मतदान तो होना नहीं। तो जानबूझकर आनंद फानंद योजनाएं लाई जा रही, पहले लाडली बहन योजना लाई गई जिसमें 1500 रुपया हर महीना हमारी बहनों को मिलेगी। जब वो समझ में नहीं आ रहा है तब ये लाडला भाई योजना लाए हैं कि अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको 6000, आप अगर डिप्लोमा होल्डर हैं तो 8000 और आप ग्रेजुएट हैं तो 10000। ये लोक लुभावने वादों से कुछ होने वाला नहीं। आज आप देखिए हमारे भारत में नौकरियां नहीं, कहीं पर 10 सीट है गुजरात में तो उसके लिए 1800 से ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं, भगदड़ की स्थिति हो जा रही है। मुंबई में लोगों ने देखा एयर इंडिया के 600 पदों के लिए 25000 से ज़्यादा संख्या आ गई। आज युवा बेरोजगार है और मोदी साहब आप कह रहे हैं कि हमने 4 वर्षों में 8 करोड़ नौकरियां दी। कहाँ दी, किसको दी, इंसानों की दी है कि भूतों को दी है आप बता नहीं पा रहे हैं। तो ये सरकार की महायुति की विदाई तय है, गाजे बाजे के साथ होने वाली है। 3 महीने बाद इनकी सरकार जाने वाली है। जब भी 2-2.5 सालों से सरकार में थे तब इन्होंने कुछ किया नहीं। हमारे उद्धव ठाकरे साहब जब सीएम थे तो कोरोना काल के उस संकट समय में कितने अच्छे से वो काम किए थे, लोग उसको पसंद करें याद करें। हमें पूरा विश्वास है कि यह सरकार जा रही है, जब जाती हुई सरकार, जब बोलते हैं ना कि दिया बुझने वाला होता है तो बहुत तेज फड़फड़ाता है, उसी प्रकार इसको आप देख लीजिए, उदाहरण है। और आने वाले समय में महाविकास इनसे भी अच्छे अच्छे काम करके दिखाएगी, अच्छे नौकरियों को देगी, अच्छे रोजगार धंधे महाराष्ट्र में आए उसकी देखभाल हम करें। जिस तरह से भाई बहन के लिए योजना लाए हैं, क्या अन्य लोगों के लिए भी योजना लाएंगे? अब पता नहीं ना, ये जाने वाली सरकार है, इनसे क्या पूछ रहे हैं। जिसके पास कोई पावर नहीं है वो कोई भी योजना ला दे। मैं आपको कहूं कि कल सूरज और चांद आपके घर में ले आऊंगा तो ऐसा होता है क्या? जो चीज संभव नहीं उस पर बात करके क्या।